नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर में एक ऐसे मंदिर पर हम खड़े हुए हैं जो अति प्राचीन है और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो शायद जनपद बिजनौर की ही नहीं आसपास के जिलों की भी जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उनमें से एक है। तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे कहाँ पर स्थित है और कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और जो श्रद्धालु हैं वो किस किस दिन यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, संस्थापक भी हैं और व्यवस्थापक भी कह लीजिए, यहाँ की सभी व्यवस्थाएं वही देखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपकी वार्ता कराएंगे और उन्हीं के साथ हम कुछ चर्चा यह करेंगे कि कब यहाँ धाम बना, हनुमान धाम है और कितना प्राचीन है और किस किस तरह से यहाँ का मैनेजमेंट चलता है। तो स्वागत है आपका। आप हैं प्रदीप जी, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। प्रदीप चौहान मेरा नाम है, किरतपुर के मोहल्ला चौहान का मैं रहने वाला हूँ। और इस समय हम जो खड़े हैं, एक प्रॉपर एड्रेस जो लोग नहीं जानते, जो दूर दूर से देख रहे होंगे अन्य जनपदों से, अन्य प्रदेशों से, यहाँ पर पहुंचने के लिए जो प्रॉपर एड्रेस है वो क्या है हनुमान धाम? हनुमान धाम का एड्रेस गूगल पर भी उपलब्ध है। अच्छा, हाँ, गूगल खोल के देखिए आप, या श्री हनुमान धाम .com के नाम से वेबसाइट है, उससे आपको हनुमान धाम की पूरी लोकेशन मिल जाएगी। अच्छा, फिर भी बता देते हैं, किरतपुर से नेहटोर वाली रोड पर हम इस समय मौजूद हैं और हनुमान धाम है। थोड़ा दिखाइए, चलते चलते वार्ता भी करेंगे और थोड़ा दिखाइए और बातें भी करते रहेंगे। ये जो प्रतिमा है ये कब निर्माण हुआ, कौन से सन की बात है और किसने कराया यह बताइए। इस प्रतिमा का भूमि पूजन 31 मार्च 1994 को हुआ था और बड़े हनुमान जी 90 फीट की प्रतिमा का अनावरण गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पद्म श्री गुरु हनुमान जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। इस अवसर पर पूरे हिंदुस्तान के पहलवान यहाँ काफी संख्या में मौजूद थे और आप ही के द्वारा कराया गया था। हाँ, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हनुमान जी बनाऊंगा। अच्छा, ये जो भूमि है, भूमि भी आप ही की? हाँ, भूमि मेरी है। अच्छा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हनुमान जी बनाऊंगा, ये मेरी इच्छा थी। अच्छा, मैंने जनता के सहयोग से ये हनुमान जी का निर्माण कराया। 1997 से लेकर 2010 तक 90 फीट के हनुमान जी दुनिया के सबसे बड़ा हनुमान जी में से एक है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। और अभी भी पूरी दुनिया के टॉप 10 में श्री हनुमान धाम किरतपुर के हनुमान जी का नाम है। अच्छा, एक और हम इधर देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर भगवान महामृत्युंजय जी का मंदिर है और उधर शनि महाराज का भी मंदिर है, तो इनके विषय में भी बताइए, इनका निर्माण इनके कितने समय बाद और कब हुआ था? मैंने जब हनुमान जी का निर्माण कराया उसके बाद में सेवा जब यहाँ करने लगा तो मेरी भगवान महामृत्युंजय की प्रति और शनि महाराज के प्रति भी श्रद्धा जागी, तो मैंने अपने दोस्तों में चर्चा करी कि भाई मैं ऐसे चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर संजय गौड़ बिजनौर के, उन्होंने कहा कि यार इसका निर्माण मैं अब कराऊंगा। अच्छा, भगवान महामृत्युंजय का मंदिर उन्होंने बनवाया है और शनिदेव जी का मंदिर मेरे भाई है सुनील सलूजा, जो बिजनौर में प्रॉपर्टी डीलर है, वो बोले यार मैं बनवाऊंगा इसे, तुम नहीं बनवाओ, तो उन्होंने अपने खर्चे से ये खुद बनवाया। आइए एक बार अभी और चर्चा भी करेंगे इनसे, लेकिन एक बार दर्शन कराते हैं। सबसे पहले महामृत्युंजय जी के मंदिर में ही चलेंगे। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा महामृत्युंजय जी की, जो शिव जी हैं उनकी यहाँ पर कितनी अच्छी प्रतिमा लगाई हुई है। एक बार दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस मंदिर के विषय में आपका क्या कुछ कहना है। और इधर शनि देव जी का, शनि महाराज जी का भी मंदिर है जिसके विषय में अभी बताया है प्रदीप जी ने, वह भी आपको दिखाएंगे। देखिए यह शनि देव जी का मंदिर है, हनुमान धाम में ही है स्थित और काफी श्रद्धालु आते हैं। और प्रदीप जी, जिस तरह से यहाँ पर इतना निर्माण हुआ है,
तो काफी अभी इसको चलाने में भी काफी खर्च इत्यादि की भी व्यवस्था करनी होती होगी, तो किस तरह से चलता है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हनुमान जी के साम काम में सेवा में समस्या तो आती है, लेकिन संकट भी यही टालते हैं। इसलिए मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि भक्ति करने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा से आपको डरना नहीं चाहिए किसी भक्त को, और वो स्वयं अपना काम खुद करा लेते हैं। बस भक्त करने वाला चाहिए। अच्छा, पुरानी प्रतिमा है, वर्षों पुरानी है और वर्ल्ड के टॉप 10 में ऊंचाई के मामले में है, आती है, वह भी दिखाएंगे। एक बार दिखा दीजिए उधर। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, हम आपको नजदीक से दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रतिमा है, और कैमरे में एक साथ कैद नहीं कर सकते हम इतने नजदीक से। ये देखिए, श्री हनुमान धाम किरतपुर बिजनौर, मूर्ति की ऊंचाई 90 फुट। ये देखिए श्रद्धालु कब कब आते हैं, यह भी पुजारी जी से भी वार्ता करेंगे। मंदिर है, प्रतिमा के नीचे हम इस समय खड़े हैं। यहाँ पर हनुमान जी की एक और छोटी प्रतिमा है और यही मंदिर है, यहाँ पर प्रसाद इत्यादि चढ़ाया जाता है। तो प्रदीप जी, किस किस दिन श्रद्धालुओं का यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है ज्यादा होती है? वैसे तो आम तौर पर मंगलवार के दिन काफी संख्या में भक्त आते हैं, इसके अलावा शनिवार में भी काफी संख्या में लोग आते हैं, अन्यथा वैसे रोज भी काफी संख्या में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी भगवान जी से प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने की करते हैं, तो ज्यादातर यह तमन्ना पूरी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। पुजारी जी, आप ही पुजारी जी हैं यहाँ? हाँ जी, मैं नाम प्रवेश चंद्र कंडवाले और कोटे गढ़वाल का हूँ। मैं रहने वाला हूँ, ग्राम जमेली है, और मेरे को भी यहाँ 6 साल हो गए बाबा जी की सेवा में। और देखो, जब तक अपने अन्न जल हो गए, हम यहाँ रहेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। अच्छा, कैसा लगता है? बिजनौर के लोग आते होंगे ज्यादातर, तो आप पहाड़ से आए हैं, तो कैसा लगता है बर्ताव यहाँ के लोग? नहीं, बहुत अच्छा लगता है हमको तो। बहुत अच्छा, अच्छा किसी लगता समस्या का सामना तो कभी नहीं करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और देखिए ठीक पीछे डोरी बंधी हुई है, कलावा टाइप, ये कौन लोग बांधते हैं और इसका क्या मतलब महत्व है कि किस लिए बांधा जाता है? हाँ जी, ये इसलिए बांधते कि अपना तमन्ना पूरी करने के लिए, और जब तमन्ना पूरी हो जाती है तो बाबा जी का चोला चढ़वाते हैं।